नमस्कार आदाब। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव घमासान पर है और आज एक चुनाव आयोग का ऐसा फैसला आया है जिसमें कमलनाथ जी स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग ने इस तरह का फैसला किया, कैसे देखते हैं? मेरा कद, मेरी औकात स्टार प्रचारक से रहने या ना रहने से नहीं, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी कि कमलनाथ क्या है। और स्टार प्रचारक तो एक औपचारिकता होती है खर्चे के लिए, ठीक है, मुझे चिंता नहीं है। पर मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं मिला, कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। जो बात मैंने कही जनता ने तालियां बजाई, आम लोगों ने, मैंने एक दफा नहीं कही, मैं तो रिपीट कर रहा हूं, मैंने कई दफे कही और जनता ने तालियां बजाई। तो ये हकीकत है, जब चुनाव में कोई हारता है एक स्थिति होती है, जब पिटते हैं तब ये प्रशासन का, पुलिस का, शराब का, पैसे का उपयोग करने जाते हैं। ये आज हो रहा है, ये आखिरी दो दिन में यही हो रहा है। अब क्या आप चुनाव प्रचार में जाएंगे, किस तरह से करेंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कौन सी रोक, किसी ने रोका तो नहीं है मुझे। आपने एक्टर कहा, आपने और तरह की चीजें कही और साथ में जो आइटम है उसको लेकर भी बहुत तरह के सवाल थे और राहुल गांधी ने भी उसमें कुछ कहा। देखिए, मैंने जो कहा जनता के सामने कहा, मैंने कोई छिप के नहीं कहा, जनता तय कर लेगी कि सही था या गलत था। शिवराज सिंह आपके दोस्त हैं, आप ये कहते रहे हैं, फिर नालायक वाली बात आई और फिर उसके बाद और बहुत तरह की चीजें आई। मैंने कहा शिवराज सिंह जी इतने नालायक नहीं है, मैंने नहीं कहा था वो नालायक है, बड़े काबिल है, पर एक विषय में मैंने कहा वो इतने नालायक नहीं है कि ना समझे, एक विषय में वो एक विषय ना समझे, मैंने ये बात कही थी। कौन सी खराबी है? मैंने कमलनाथ जी को बरसों से कवर किया, लगभग 31 बरस हो गया, लेकिन इस बार कमलनाथ जी, पहले मैं सुनता था तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत ढेर सारे मुद्दों पर बात करते थे, लेकिन इस बार कमलनाथ जी अब चुनाव में गए तो बिल्कुल नए अंदाज में थे। ये कैसे, ये कौन सा नया अवतार है? कोई नया अवतार नहीं है। चुनाव में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ, तो ये मेरा आज के दिन ये रोल है। जब मैं मंत्री था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं चर्चा करता था, वो वहां का रोल था। ये कहा जाता रहा कि स्थानीय नहीं है, ये नहीं है, छिंदवाड़ा में ही सिर्फ विकास किया, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, कोई भी आरोप कोई भी लगाए, अंत में तो जनता फैसला करेगी। तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं, ये अपना हिसाब दे। नवंबर 18 में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने इन्हें घर बिठाया था, शिवराज सिंह जी को विदा किया था। अब 7 महीने का हिसाब दिए, 15 साल का हिसाब से तो घर बिठा दिया। कौन सी चीज हुई जो आज जनता अपना फैसला बदले? मैं बताऊं क्या हुआ, सौदा किया, बिकाऊ राजनीति लाए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को कलंकित किया, किसानों को और परेशान किया। किसानों को अभी तक, आज मैं एक दौरे में था, वो किसान कह रहे थे 6 महीने से हमें पैसा नहीं मिला। तो आप क्या सोचते हैं ये राजनीति से जनता अपना अपना फैसला बदल लेगी? क्या मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव में इस समय, आपको क्या लगता है कि जनता किस किस सौदेबाजी की जो सरकार बनी है मध्य प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। प्रजातंत्र और संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है मध्य प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के मतदाता और ये 28 सीटों के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, गरीब हैं, पर मूर्ख नहीं है। ये दाग कैसे मिटेंगे? आज शिवराज सिंह एक दाग का जिक्र कर रहे थे, ये दाग और दाग दाग उन्होंने कई बार उसको कहा। देखिए, ये कुछ भी कहते रहे, ये जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं, ये कुछ भी कहते रहे, अब तो इनके पास 48 घंटे हैं, कुछ कह लें, मुझे चिंता नहीं है। अब कितनी सीटें आप जीतेंगे, आपको? मैं शिवराज नहीं हूं कि कहूंगा कि हम 28 की 28 जीत जाएंगे, ये तो शिवराज सिंह जी कहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कितनी सीटें जीतेंगे। राहुल लोधी चले गए अचानक, आपको पिता कहते रहे, अचानक चले। देखिए, सौदेबाजी में तो ये सब चीजें हो जाती है, मुझे ये चिंता नहीं है। ये राहुल लोधी गए, कोई बिक गया, ठीक है, बहुत सारे भाजपा वाले मेरे पास आए, ये हम आना चाहते हैं, पर ये सौदे की राजनीति नहीं मैं करता, ये सौदे की राजनीति, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। विपक्ष कह रहा है कि कमलनाथ जी ने चार्टर बुक कर लिया है, चुनाव खत्म हुए और कमलनाथ जी गए। अब वो तो सब कुछ कहेंगे,
अगर चार्टर बुक किया है तो मैंने शिवराज सिंह जी के लिए बुक किया। कहाँ भेज रहे हैं शिवराज जी को? शिवराज सिंह जी जहाँ जाना चाहे हाँ उनको भेज देंगे, बड़े प्यार से भेज देंगे। दिग्विजय सिंह चुनाव में बहुत दूर दूर दिखते हैं? नहीं दूर दूर नहीं दिखते, आज ही मेरे साथ ब्यौरा में थे, पहला आज ही सब दौरे में, आज पहला क्योंकि वो संभाल रहे, हमने सब आपस में काम बांटा हुआ है, कांग्रेस एक है। और इस चुनाव में, और ये मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ कांग्रेस एक होके ये चुनाव लड़ रहे। कमलनाथ अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, सब जगह कैंपेन अकेले कर रहे हैं, इस तरह का भी जिक्र है सब जगह? राहुल सिंह कर रहे हैं, भूरिया जी कर रहे हैं, अरुण यादव कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चुनाव में बोल बहुत बिगड़ रहे हैं, आप तो बहुत लंबे समय से सियासत में हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, उसके बाद भी ये इस तरह की चीज़ें जो आप चुनाव में बोल बिगड़ते बोलों पर आप क्या कहें? क्या बिगड़ते बोल? अगर कोई घुटने टेक के कहता है जनता मेरी भगवान है, मुझे इसका जवाब तो देना पड़ता है ना, तो मैंने जवाब दे दिया, जनता ने तालियां बजाई। क्या सोच रहे हैं आप आने वाले वक्त में किस तरह से जनता को क्या चीज़ें देंगे? मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बना है, मध्य प्रदेश की हमारी कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगारों की है, नौजवानों की है, जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनकी जिम्मेदारी हमारी सबसे प्रमुख है। और बेरोजगारी, हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। विपक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है आपने अपने वचन नहीं निभाए, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। अब जनता रिजेक्ट करेगी 10 तारीख को, साफ हो जाएगा किसको कौन रिजेक्ट करेगा। धन्यवाद कमलनाथ जी। कमलनाथ थे, और जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है, बहुत कॉन्फिडेंस में, और कह रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में जाएंगे, और वो सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं है, वो कांग्रेस के नेता हैं, जनता ने उन्हें मौका दिया था और वो अपना काम करेंगे, और झूठ की राजनीति जनता उसका जवाब देगी।